हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो एसटी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी वेबसाइट पे जो भी पीडीएफ्स दिए गए हैं वो हम देखेंगे। मतलब बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू द पीडीएफ्स हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो यहाँ पे होम पे इस साल की स्कॉलरशिप ओपन होने का जो अनाउंसमेंट दिया है वो हम देखेंगे। तो ये है वो पेज। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, और ये जो स्कॉलरशिप है एसटी के लिए है, मास्टर्स लेवल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए है। टोटल 20 स्कॉलरशिप्स है, और उसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31st, ओके, 31st मई 2024। वेबसाइट दिया है, और यही सारा हिंदी में दिया है वापस यहाँ पे नीचे लिख के। तो इस अनाउंसमेंट में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन वाला ये पीडीएफ। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पीडीएफ में बेसिक इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दी है कि अगेन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल की है। 20 स्लॉट्स है, उसमें से 6 स्लॉट्स लड़कियों के लिए होंगे। अगर इनफ लड़कियों के एप्लीकेशंस नहीं होंगे तो वो लड़कों के लिए हो जाएंगे ओपन स्लॉट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है हर एक एजुकेशन लेवल के लिए। यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेंस वुड बी गिवन, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज का क्राइटेरिया दिया है पे, ये जो पीडीएफ है ये पुराना है इसलिए 2020 है, बट एज वाला क्राइटेरिया अगेन हम आगे वाले पीडीएफ्स में देखेंगे। इनकम सीलिंग है, तो फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन का क्राइटेरिया, एक फैमिली के एक ही बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड इस पीडीएफ में दिया है कि मास्टर्स के लिए 1 2 3 कितने भी साल चल सकता है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए 1 या 1 एंड हाफ, मतलब 1.5 साल लग सकता है। पर आगे वाले पीडीएफ में अलग दिया है इन्होंने, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप स्कॉलरशिप कमिटी को ही कॉल करो, जिनका नंबर वेबसाइट पे दिया हुआ है, और उनसे पूछ लो एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन होना चाहिए आपके कोर्स का। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत शॉर्ट में दिया है इन्होंने, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने पहला जो वीडियो बनाया है एनओएस फॉरेस्टी के लिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ओके। इसके बाद है गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम वाला पीडीएफ, और ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स हैं। तो चलो देखते हैं। इस पीडीएफ पे लिखा है कि ये एप्लीकेबल है 2025-26 तक, तो इस साल तो एप्लीकेबल है ये। तो सारे डिटेल्स हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में, देखते हैं। बेसिक इंट्रो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक साथ मिलके ये स्कॉलरशिप रन करती है। अगेन मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल के लिए है, बैचलर लेवल के लिए नहीं है, ओके। ये स्कॉलरशिप 20 टोटल स्लॉट्स होते हैं स्कॉलरशिप के, उसमें से एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 17 सीट्स होंगे, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजे ग्रुप के लिए 3 स्लॉट्स होंगे, ओके। ये रिजर्वेशन है, ऐसे ही रहेंगे। उसमें से ये टोटल 20 में से 30% सीट्स, दैट इज 6 सीट्स लड़कियों के लिए रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पर अगर इतने फीमेल कैंडिडेट्स हैं नहीं तो वो स्लॉट्स लड़कों के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशंस दी है पूरी। अगर आप पोस्ट डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपको पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और सिलेक्शन ईयर के 1 जुलाई तक आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 38 हो सकती है। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, और एज आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके बैचलर्स में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, और एज आपकी 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एडमिशन QS वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है तो मार्क का क्राइटेरिया
एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बट क्योंकि स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव है, अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको ऑफ कोर्स प्रेफरेंस मिलेगा सेम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के से ज़्यादा। अगर सेम यूनिवर्सिटी के दो कैंडिडेट हैं तो उनमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। वन चाइल्ड लिमिट की एक एक फैमिली से एक ही कैंडिडेट ये स्कॉलरशिप ले सकता है, एक फैमिली के दो कैंडिडेट्स ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। इनकम क्राइटेरिया, फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम में आपके पेरेंट्स, मदर फादर, और अगर कैंडिडेट वर्किंग है तो उस कैंडिडेट की इनकम काउंट की जाएगी। इन तीनों के अलावा किसी और की इनकम काउंट नहीं होगी। अगर कैंडिडेट ऑर्फन है और सपोर्टेड बाय अ गार्डियन है तो भी तो इनकम क्राइटेरिया उनको अप्लाई नहीं होगा। सब्जेक्ट्स अगेन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा मैंने कहा था पहले वाले पीडीएफ में अलग दिया था टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, और यहाँ पे अलग दिया है। यहाँ पे मास्टर्स के लिए सिर्फ 1 या 2 साल ही दिए, 3 साल नहीं अलाउड किया है, और पोस्ट डॉक्टरल के लिए 2 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो अगर अगेन एडवाइस यही होगी कि आप वापस कमेटी को कॉल करके ही पूछ लो स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। वो लिखा है एनुअल मेंटेनेंस मिलेगा, एनुअल कंटिजेंसी एंड इक्विपमेंट अलाउंस मिलेगा मिलेगा, पोल टैक्स, वीज़ा फीस, फीस एज इन ट्यूशन फीस टोटल, मेडिकल इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ एयर पैसेज, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। पर याद रखिए अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अब्रॉड में और उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के दिन के बाद से आगे वाला जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको मिलेंगे। आपने अभी तक जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी किए हैं स्कॉलरशिप मिलने से पहले वो रीइंबर्स नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है उन्होंने और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो दिया है, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे वो दिया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अवार्ड लेटर मिलने से 2 साल तक, अवार्ड लेटर मिलने के दो बाद तक 2 साल बाद तक आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और वहाँ पे स्टडीज स्टार्ट करनी है। अगर 2 साल तक आपने ये नहीं किया तो आपका अवार्ड एक्सपायर हो जाएगा। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्शन वाली मैंने वीडियो में बताई है ऑलरेडी। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर अगर आपको अवार्ड मिल जाता है आपने जो यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए, तो उसके बाद आप अपना प्रोग्राम भी नहीं चेंज कर सकते और आपकी यूनिवर्सिटी भी नहीं चेंज कर सकते। दैट्स इट, इस पीडीएफ में तो इतना ही है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ओके तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें उन्होंने क्या कह दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ये सब यहाँ पे इन्फो दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन में 3 स्टेप्स है, हर एक स्टेप का सिंगल सिंगल स्टेप वाइज प्रोसेस फोटोज़ के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ दिया है। डेटा क्या क्या फिल करना है ये भी सब कुछ दिया है, ओके और जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही भरना है, ओके ये फर्स्ट स्टेप। फिर डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन, फोटोज़ सॉरी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिंक करना है, ये सब कुछ दिया है। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इन्फो दिया है, उसमें क्या क्या भरना पड़ेगा, ये सब कुछ दिया है यहाँ पे स्टेप वाइज फ़ोटो के साथ सारी डिटेल्स के साथ, ओके या आई थिंक यहाँ पे हाउ टू फेच डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर ये भी दिया है सब कुछ सी। और यहाँ पे बाकी सारी इम्पोर्टेंट लिंक्स भी दिए है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। फिर इसके बाद जो है वो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल डिजी लॉकर का, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डिजी लॉकर का प्रोसेस दिया है, फिर भी
सेपरेट डिजी लॉकर के लिए इन्होंने एक अलग इंस्ट्रक्शन मैनुअल किया है, तो वो मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो यही भी आप रीड कर सकते हो। बेसिक वही है, डिजी लॉकर में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे वो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ दिया। उसके बाद यहाँ पे PVDJ ग्रुप लिस्ट दी है, तो कौन से ग्रुप्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंडर आते हैं, ये उन्होंने यहाँ पे स्टेट वाइज नेम्स दिए हैं। और फिर लास्ट में ये है FAQs वाला PDF, वही कुछ क्वेश्चन आंसर से वही इन्फो है जो पहले वाले PDF में दिए है, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो यहाँ पे उन्होंने दिया कि हर एक PDF फाइल एंड फोटो मिनिमम 50 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB का। सो रीड करना चाहिए प्रॉपरली सारे PDFs, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। आई डोंट थिंक कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप PDF रीड करोगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।